हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं हिबिस्कस प्लांट दिखा रही हूँ। ये 1.5 महीना पहले मैं रिपोर्ट की थी, आज मैं इसका थोड़ी सी दिखा रही हूँ। फूल कितने सारे फूल खिले हैं, देखिए 6 फूल खिले, 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 फूल खिले हैं। तो इसको रिपोर्ट की थी, उसका वीडियो मैं दिखा रही हूँ। चलिए, ये है 1.5 महीना पहले का, तब इसमें 1 फूल था और ऐसे 2-3 हमेशा खिलते रहते हैं इसमें। ये प्लांट काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये प्लास्टिक का जो ग्रो बैग होता है उसी में लगाया हुआ है। तो इसको मैं पॉट में लगाऊंगी, नीचे ड्रेनेज होल को मैं अच्छे रखने के लिए छोटे बजरी और बड़े मोटे वाली रेत ली हूँ, उसको नीचे रख दी हूँ। होल है पॉट में, 10 इंच का पॉट है। तो मैं मिट्टी देखिए ली हूँ, रेत, बोन मिल, हॉर्न मिल, नीमखली और थोड़ी सी इसमें एप्सम सॉल्ट है। इसी का मिट्टी बना के, इसी का खाद बना के मैं रखती हूँ। बोन मिल, हॉर्न मिल, नीम खली, थोड़ी सरसों की खली, थोड़ी सी एप्सम साल्ट, उसी को मैं रेत और मिट्टी में मिला के मिट्टी बना के रख ली हूँ पहले से। तो उसी मिट्टी में मैं रिपोर्ट करूँगी ये प्लांट को, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का ग्रो बैग है ये फट रही है, बहुत दिन से इसी में है। और ये ज़्यादा रूट काफ़ी इसका हुआ नहीं है, जैसे जकड़ जाते हैं, लेकिन इसका प्लास्टिक फट रही है, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर दे रही हूँ। आप लोगों को दिख रही होगी टॉप सॉइल के पास काली काली, वो सब केले का सुखाया हुआ जो चूर्ण होते हैं छिलके का, उसी का खाद है। तो उसको मैं हटा लेती हूँ, बाद में दूसरे प्लांट में डाल दूँगी। तो ये सॉइल में जो बनाई हूँ, रेत, मिट्टी, बोन मिल, हॉर्न मिल, नीम खली, सरसों खली, ये सब मिक्स करके ये खाद बनानी है, बना के सुखा लेनी है। तो सुखा के उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करें तो आपके हिबिस्कस प्लांट बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जो 10 इंच का पॉट ली हूँ उसमें ये नहीं आ रहा है, तो इसके मैं थोड़ी मिट्टी हटा दी। हटाने के बाद मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी इसमें। अगर आप लोग ऐसे बड़े जो रूट वाले प्लांट है जिसमें ज़्यादा मिट्टी है, तो उसके लिए आप थोड़े बड़े पॉट लें। मेरा पॉट थोड़ी छोटी हो गई है, मैं कुछ दिन बाद इसको फिर रिपोर्ट कर दूँगी बरसात के समय। तो देखिए, आप मैं 10 इंच का ली हूँ, ऐसे अगर आपके बड़ा प्लांट है तो आप 12 से 14 इंच का पॉट लीजिए। लेने के बाद ऐसे जो बनाई हुई मिट्टी है उसको साइड साइड से डाल दें। पहले थोड़ी मिट्टी नीचे दे के प्लांट को बिठा के उसके बाद साइड से मिट्टी डाल के ऐसे थपथपा देंगे, तो इसके जो मिट्टी है सारी अंदर चली जाएगी। और देखिए, मैं प्लांट को लगा ली हूँ, अब इसमें पानी डालनी है भरपूर मात्रा में। जब तक नीचे के ड्रेनेज होल से पानी ना निकलते रहे तब तक आप डालते रहे पानी, पहली बार रिपोर्ट करने के बाद। उसके बाद आप हिसाब से ही पानी दें, दिन में एक बार देने से होंगे हिबिस्कस प्लांट में। रिपोर्ट करने के बाद आप इसको छांवदार जगह में रखें जहाँ पर छाया हो, 2-3 दिन। उसके बाद इसको धूप में रखें, और हिबिस्कस प्लांट को पूरे तेज़ धूप चाहिए, तो आप लोग इसको तेज़ धूप में रखेंगे तभी इसके अच्छे से फ्लावर खिलेंगे। जब मैं लगाई थी इसमें 1 फूल था, मैं इसमें 1.5 महीना बाद केले का छिलके का सुखाया हुआ चूर्ण डालती हूँ, और एक बार केले का छिलके का पानी डालती हूँ महीना में या 1.5 महीना में, और यही इसका खाद है। इसी से ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलती है और अच्छे से फूल देती है। ये देखिए, सारे हिबिस्कस में मैं इसी तरह की मिट्टी बना के डालती हूँ, तो बहुत अच्छे से हिबिस्कस फूल खिलते हैं। और मैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं के बराबर डालती हूँ। तो आपके अगर प्लांट के पत्ते कम हैं तो आप डाल सकते हैं गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी यही खाद डाल के हिबिस्कस प्लांट लगाए तो बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे। 6 फूल है ऐसे करके, 6 कभी 5 कभी 4 इसमें खिलते हैं ये प्लांट में। और ये देखिए, प्लांट इसी में लगा हुआ है 10 इंच का पॉट में। ये स्थल कमल है, इसमें भी 3-4 लग जाते हैं कभी। ये गुलाब है, दिख रही है क्योंकि मैं इसको मिट्टी हटा ली हूँ, इसमें फिर से केले का छिलके का पाउडर डाल रहा है, इसलिए मैं एक दिन निकाल कर सुखाती हूँ, इसलिए इसको पका रखी हूँ। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।